बीते कई दिनों से क्रिकेटर मोहम्मद शमी सुर्खियों में हैं। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की पत्नी द्वारा पति पर लगाया गया आरोप दरअसल क्रिकेट की सुर्खियों में रहने की बड़ी वजह है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद शमी की पत्नी ने अपने पति पर संगीन आरोप लगाए हैं कि शमी के देश और दुनिया में कई लड़कियों से अवैध संबंध है, वो उनसे होटल रूम्स में मिलते हैं। कई सारे ऐसे आरोप हैं जो वाकई में बताए नहीं जा सकते। लोग जब तक ये मामला क्या है समझ पाते, इस मामले में कई खुलासे या यूं कह लीजिए कि कई आरोप लगाए गए। अब आरोप लगे थे तो उस पर अपना पक्ष तो रखना ही था। ऐसे में पत्नी हसीन जहां के हर आरोप पर मोहम्मद शमी ने सिर्फ ये कहा कि इस मामले की जो भी जांच करनी है कीजिए, और अगर मैं गलत साबित होता हूं तो मुझे लटका देना चाहिए। इसके अलावा मोहम्मद शमी ने तो ये तक बयान दिया है कि वो ये मामला खत्म करना चाहते हैं। अपनी मासूम बच्ची के लिए वो सुलह करने को भी राजी हैं। हालांकि ये मामला असल में है क्या और कहां यहां किसकी गलती है ये कह पाना अभी तक मुमकिन नहीं है। मामले की जांच चालू है और अब ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि गलत कौन है और सही कौन। ऐसे में अब तक इस मुद्दे पर कोई भी ज्यादा बोलने से बच रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मोहम्मद शमी के पक्ष में बोलकर सबको हैरान कर दिया था। महेंद्र सिंह धोनी ने कहा था कि मैं मोहम्मद शमी को अच्छे से जानता हूं, वो मैच फिक्सिंग और धोखा जैसे काम कभी नहीं कर सकते। ऐसे में अब इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए सौरभ गांगुली ने भी कहा है कि मेरा विश्वास है कि अब अगर ये मामला नीरज कुमार के हाथ में दिया गया है तो ये सुलझ ही जाएगा। आगे सौरभ गांगुली ने कहा कि ये उनका निजी मामला है, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी कुछ भी बोलना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर सौरभ गांगुली ने जिस नीरज कुमार की बात की है वो बीसीसीआई के एंटी करप्शन यूनिट यानी कि एसीयू के हेड है जो शमी के मामले में जांच कर रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रिपीट, नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।